हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू जर्नल डायरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये तीन डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हैं, आप इन मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि तीनों मिल्क शेक अलग अलग तरीके से आप बना सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, हर तरफ आम ही आम है, तो जितना मैंगो के फ्लेवर को इन्जॉय कर सकते हैं उतना कीजिए और हमें करना भी चाहिए। तो आते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो है मिल्क, उसके लिए चाहिए होंगे आपको बादाम, उसके लिए चाहिए होंगे आपको क्यूब्स में कटा मैंगो जो कि चिल किया हुआ होना चाहिए, और जो मिल्क है आपका वो भी ठंडा होना चाहिए। उसके लिए चाहिए होगी आपको छोटी इलायची, आपको चाहिए होगा शुगर, उसके लिए आपको चाहिए होंगे बेसल सीड्स, तुखमलंगा जो कि मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। तो चलिए अब बनाते हैं रेसिपी। ब्लेंडर में आपने डाल देने हैं मैंगो, उसके साथ आपने डाल देना है हसबे जायका चीनी। इसमें आप ऐड करेंगे इलायची, इसमें आप ऐड करेंगे दूध, पहले थोड़ा सा डाल दीजिएगा, जब अच्छा सा पेस्ट बन जाए उसके बाद बाकी ऐड होगा। इसमें आप आइस क्यूब ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ा दूध अब दोबारा से ऐड करने लगी हूँ, पेस्ट हमारा बन गया था और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स, मिल्क शेक हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप ये मिल्क शेक एक ग्लास में निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। अब आप इसमें 3 से 4 चम्मच बेसल सीड तुखमलंगा के ऐड करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, जिन लोगों का अल्सर का इशू हो, जिनको मैदे का इशू हो, जलन होती हो, तो वो डेली इसको पिया करें। अगर डेली नहीं भी पी सकते तो कम से कम 2-3 दिन बाद इसको ज़रूर पिया करें। ये अब ऊपर से आप इसको गार्निश कर लीजिए बादाम से। मिल्क शेक हमारा रेडी है। व्यूअर्स, अब आते हैं अपने सेकेंड मिल्क शेक की तरफ। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए होंगी मिल्क, मैंगो क्यूब्स में कटा हुआ, वनीला आइसक्रीम, शुगर एंड छोटी इलायची। तो अब ब्लेंडर में ये चीज़ें हम डाल के मिल्क शेक बनाते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे मैंगो, आप इसमें ऐड करेंगे आइसक्रीम, आप इसमें ऐड करेंगे मिल्क, इसमें जाएगी छोटी इलायची एंड ऑफ कोर्स शुगर, हसबे जायका। तो चलिए अब इसको ब्लेंड कर लीजिए। व्यूअर्स, सेकेंड मिल्क शेक हमारा रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। एक ग्लास में आप पहले आइसक्रीम डालेंगे। अब आप ऐड करेंगे मिल्क शेक, ये गया इसमें। ऊपर से फिर आइसक्रीम, अब ऊपर से आप दोबारा से इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। ये बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, ऑल द टाइम, ट्रस्ट मी। और ऊपर से आप इसे बादाम से गार्निश कर लीजिए। ये आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है जी। अब हम आते हैं अपने थर्ड मिल्क शेक की तरफ। इसमें आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी आप देख लीजिए। इसमें चाहिए होगा आपको मिल्क, क्यूब में कटे मैंगो, बादाम, छोटी इलायची, शुगर, पीच, आड़ू आपने ले लेने हैं क्यूब में कटे हुए, और फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम में आपने चीनी डाल के पहले उसको मीठा कर लेना है मिक्स करके, कुछ देर पहले आप ये कर लीजिएगा। अब आप इसमें मैंगो ऐड करेंगे, आधे आप मैंगो इसमें ऐड करेंगे और आधे रख देंगे।
और पीच भी इसी तरह आप इसमें से हाफ़ डालेंगे और हाफ रख देंगे। इसमें ऐड करेंगे आप इलायची, शुगर, मिल्क, और अब अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कॉन्स्टिपेशन के जिन लोग जिनको शिकायत होती हो वो ये भी मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट मिल्क शेक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ग्लास में आपने वो पीच डाल देने हैं जो आपने बचा के रखे थे, और जो मैंगोज बचा के रखे थे वो भी इसमें आपने डाल देने हैं। ऊपर से आपने इसमें ऐड करनी है फ्रेश क्रीम 3 से 4 चम्मच, अब आपने इसमें मिल्क शेक ऐड करना है। ऊपर से फिर आपने इसमें मैंगो डालना है और पीच डालना है। और अब क्रीम एंड लास्ट में आप गार्निश करेंगे इसे बादाम से। लीजिए, हमारा थर्ड भी ग्लास तैयार है। जी व्यूवर्स, हमारे तीनों मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं और हेल्दी हैं। गर्मियों के मौसम में आप ये मैंगो के फ्लेवर्स इंजॉय कीजिए, घर पर बनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास आती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।